नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान प्रियंका चौधरी, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी हिया नेजा। हिया, द कश्मीर फाइल्स, महज एक नाम नहीं, महज एक पिक्चर नहीं, कश्मीरी पंडितों की एक कहानी जो है, इन शॉर्ट जी उनके नरसिंहार की कहानी है, जो बार बार हर जगह पर लिखा हुआ आ रहा है, किस तरीके से उन लोगों का पलायन हुआ। और अगर 1990 के दशक की बात जी करें, तो तब से लेके अब तक की परिस्थितियों के बारे में एक लेखा जोखा जो है वो द कश्मीर फाइल दिखाती हुई नजर आ रही है। जिक्र किया जाए तमाम लोगों का, तो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और एंड आई एम श्योर एग्जैक्टली लोग जो हैं रियलिटी से रूबरू होना चाहते हैं, इसलिए कश्मीर फाइल देखने के लिए जा रहे हैं, कि या फिर एक्चुअल में उस वक्त क्या हुआ था, इस पिक्चर के माध्यम से जो दर्शाया जा रहा है उस चीज का तथ्य टटोलने के लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी प्रियंका, बिल्कुल कश्मीर फाइल्स की बात करें तो दोनों साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। जितना प्यार इस मूवी को मिल रहा है, उतना हेट्रेड भी जो है वो देखा जा रहा है। हाल ही में जी, विवेक अग्निहोत्री जी को भी वायरलेस सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी। दी गई, कहीं ना कहीं हेट्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है, तभी इस तरीके के स्टेप उठाए गए। क्योंकि अगर बात की जाए, एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनका एक्सोडस हुआ, पर एक कम्युनिटी या एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये जेनोसाइड था। तो कहीं ना कहीं अब देखे ना, ये आइडियोलॉजी में कितना टर्म्स को ज्यादा लेके। डिफरेंस है। जी, तो यही मूवी की अगर बात की जाए, तो मैंने पर्सनली भी मूवी देखी है। बहुत ही इमोशनल टच जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से उस टाइम फैमिलीज जो है वो अलग हो गई। काफी ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं बचे। उसमें जो इवन लीड रोल था कृष्णा पंडित का, उसमें भी यही हुआ कि उनके पेरेंट्स दोनों जो है वो इसी उस सिचुएशन में मारे गए। देन काफी ऐसे लाइफ जो है वो बर्बाद हुई उस समय, और किस तरीके से वो यहाँ आए वापस। अगर जम्मू की बात करें, कैंप्स में रहे, उनको काफी टाइम आप देखें कि जिस तरीके से अनुपम खेर जी की बात करें, जो उनका रोल था उसमें, बिल्कुल वो बिल्कुल प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते थे, बोलते थे कहीं से बात हो जाए, कोई रिलीफ उनको मिले, और रिलीफ इतने बिल्कुल साल लड़ने के बावजूद भी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेके भी इस समय जो है वो दो अलग साइड देखने को मिल रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के फीडबैक आ रहे हैं, और मैं चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ वो भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं ये जानना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली है, आपने सही बात कही है। क्योंकि अगर कुछ सियासतदान की मैं बात करूँ, कुछ पॉलिटिशियंस को लेके बात जी करूँ, तो कुछ ट्वीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस पिक्चर के बिल्कुल माध्यम से सिर्फ सच जो है बताया जा रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो छुपाया जा रहा है, रियलिटी नहीं बताई जा रही है। वहीं पर सियासतदान कुछ परेशान चल रहे हैं, और ऐसा देखने में आ रहा है कि शायद पॉलिटिशियंस को ये पिक्चर इतनी नहीं भा रही है। अगर ग्राउंड से जी जाननी है प्रियंका रिपोर्ट आपसे, मैं एक ग्राउंड से क्या कुछ आ रहे हैं नतीजे, क्योंकि ट्विटर्स पे तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्वीट किया। अभी हालिया दिनों में महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया था, और बहुत से जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो भी ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे भी जानना चाहूं कि इस पिक्चर के माध्यम से कुछ लोग अपने जी ट्वीट करके अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ कह रहे हैं कि एक तरफा सच बताया गया है और एक तरफा सच छुपाया जा रहा है, ऐसा कुछ तथ्य आपके हिसाब से? जी प्रियंका, जैसे आपने कहा महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट किया, वैसे अमर अब्दुल्ला जी ने भी ट्वीट किया, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मूवी में दिखाया गया कि उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो उन लोगों की थी, पावर उनके हाथ में थी, जबकि ऐसा था ही नहीं। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि उस टाइम गवर्नमेंट किसी और की थी। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स को मोल्ड किया गया है इस मूवी को दिखाते वक्त, और कश्मीरी पंडित्स की साइड ली गई है। वही जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी अलग अलग कॉमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कोई एक्सोडस कह रहा है इन्हें कश्मीरी पंडित्स का, कोई जेनोसाइड कह रहा है, अलग अलग नाम जो है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे दी गई है। उसी तरीके से इस मूवी को भी लोग जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अब बात यह है कि जैसे फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे हाल ही में मैंने मेंशन किया कि ट्वीट कर उन्होंने कहा कि उस टाइम इनकी सरकार थी ही नहीं, कोई और सरकार थी जो शो नहीं की गई। तो इसके ऊपर फैक्ट चेक होना आई गेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्रियंका देखिए, अगर जिक्र करूं द कश्मीर फाइल्स का, तो 11 मार्च को पिक्चर रिलीज हुई है, और तब से लेके अब तक नो डाउट लोगों का बहुत ज्यादा प्यार इसे मिला है। लोगों का एक बेसिक इंटरेस्ट जो है इस पिक्चर के प्रति काफी ज्यादा है, और सिर्फ कहा जा रहा है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के विस्थापितकरण की एक पिक्चर नहीं है। कहीं ना कहीं उनके पलायन से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा है जिसके बारे में शायद लोगों को पता ही नहीं था। तो शायद इस पिक्चर के जी माध्यम से, क्योंकि अगर जिक्र किया जाए या किताबों में, तो शायद किताबों में भी कहीं इसका जिक्र है नहीं, तो जनरेशन को इससे रूबरू करवाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जी पिक्चर का ये एक सहारा लिया गया है, ताकि एटलीस्ट वो रियलिटी दूसरों के समक्ष रखी जाए। जी प्रियंका बिल्कुल, और ऐसी रियलिटी लोगों के आगे रखना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मूवी से ये एक आप देखें सीन उठा के, जो कृष्णा पंडित था, उसको खुद वो खुद ही इस तरीके से माइंड वॉश हुआ कि
कश्मीरी पंडित होते हुए भी अपनी पूरी फैमिली की स्टोरी जानने के बाद भी कहीं ना कहीं उसे डाउट था, आजादी के नारे वो भी लगाने लगा। जब फिर रियलिटी चेक हुआ देन उसको कहीं समझ आई कि अच्छा ये रियलिटी थी। तो कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट हर एक तरफ के लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हें क्लियरली दिखाना, लोगों तक पहुंचाना कि क्या सिचुएशन उस समय रही और किस तरीके से लोगों ने वहां क्या कुछ फेस किया। खाने की बात करें या फिर रहने की बात करें तो किस कितने हार्ड टाइम से वो गुजरे हैं यहाँ। इमेजिन हम सिर्फ अभी तक सुनते आए थे इसके बारे में उन लोगों टेंटों से, में पर रहना, कहीं ना या कहीं एक क्योंकि अगर विजुअल। बिल्कुल जी टेंटों में रहना उन लोगों का जो एक थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा भी नहीं कहेंगे, काफी लंबा अरसा, देखिए 1990 से अब तक का दशक की अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी तो वो लोग थोड़ा स्टेबल बिल्कुल, हो गए यहाँ वापस पलायन करने के बाद भी, लेकिन कुछ और लोग वो अभी जो भी ऐसे कश्मीर में इतनी हैं। प्रॉपर्टी छोड़ के आए हैं। जी जी बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं उनकी वापसी की बात का मुद्दा जो है वो भी सामने आ रहा है कि जी शायद अब उनकी वापसी जो है वो करवानी चाहिए, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर इस तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी है, और ऐसा बोला भी जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार की मदद हो तो ये कश्मीरी पंडित वापस से अपनी जन्मभूमि, अपनी बिल्कुल कर्मभूमि में वापस जा सकते हैं। जी प्रियंका, इसी के रिगार्डिंग भी अपडेट्स आ रहे थे कि इसके ऊपर कंसिडरेशन के ऊपर है इस समय ये काम, तो जल्द ही इसके रिगार्डिंग भी अपडेट आएगा और शायद अब ये अपडेट जो है वो और भी जल्दी आएगा, क्योंकि कश्मीर फाइल्स को लेके अब काफी लोग भी इस समय जो है वो एक्साइटेड हैं, जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन रही। पर प्रियंका यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना जरूरी है कि काफी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इस समय है जो आपको पेड लीव दे रही है, हाफ डेज दे रही है कि आप जाके कश्मीर फाइल्स देख के आए कि क्या घूम पाए। सिचुएशन रही, और टैक्स फ्री भी करा है हर जगह ताकि लोग जो है वो आसानी से देखें, उनके पॉकेट के ऊपर भी ज्यादा खर्चा ना पड़े। पर वहीं अब जम्मू की बात करें, जम्मू में एक तो ना तो आपको लीव्स मिल रही है, प्रोवाइडेड ये जम्मू कश्मीर का ही पूरा रिलेटेड मामला है, दूसरा आपको बिल्कुल। उसमें वो भी नहीं, आपको टैक्स भी पे करना पड़ रहा है टिकट्स के ऊपर, तो यहाँ थोड़ा कंसेशन अगर मिल जाता तो कहीं ना कहीं और एक बेटर सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती। और बिल्कुल, वहीं मतलब कॉमेंट्स भी अगर आने हैं मेन, प्रियंका। जी 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 बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप कॉमेंट्स कुछ आए हैं आप उन्हें जरूर लें और या बताएं कि क्या जी कमेंट्स हैं हमारी मोहम्मद ऑडियंस मोहम्मद के। हुसैन का कहना है, ओनली हाउ दे लूट फैक्ट्स वो इट इज ओनली बेसिकली फॉर द वोट, दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोगों की आइडियोलॉजी समय ये भी है कि वोट्स के लिए जो है अब पॉलिटिक्स है पूरी ये, और पॉलिटिक्स देखिए, मैंने के थोड़ी देर थ्रू पहले सफर आपको कौन कर बताया रहा था है, कि आम आदमी। जी सियासतदान जो है, सियासी जो दल है, वो कहीं ना कहीं अपना, एक कहते हैं ना कि अपना पहलू सुधारने की कोशिश में जरूर हो सकते हैं, जी लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, सफरिंग जो है एक आम आदमी को ही होती है, जो बिल्कुल उस समय 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को हुई थी। तो ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मसला नहीं है, ये अगर उनके जी साथ उस वक्त हुआ है तो आई गेस कुछ लोगों का अनुमान लगाने वाली बात ये होगी कि ये सिचुएशन किसी पे भी पनप सकती है, कभी भी किसी पे भी कैसी भी सिचुएशन पनप सकती है, अभी तो आप उसके लिए यूक्रेन रशिया अपनी, की सिचुएशन देख लें, वहां से भी बिल्कुल लोगों को आना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल। और वहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का भी जिक्र हो रहा है, और अगर कश्मीर फाइल्स की बात करें तो महज एक पिक्चर नहीं है, और बहुत से लोगों का भी यही कहना है कि ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है कि जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहां क्या हुआ। फैक्ट्स और फिगर्स को अब पिक्टोरियल फॉर्म में जो है लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि जी एटलीस्ट एक छुपा हुआ सच जो है वो वापस आ सके, और कहीं बिल्कुल ना कहीं इसकी जांच, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए ये भी कहा गया कि हायर अथॉरिटीज की तरफ से कि इसकी एक बार फिर से जी जांच होनी चाहिए कि किन कारणों की वजह से ये सब बातें सामने निकल कर आई है। तो बहरहाल ये बहुत जरूरी है, और कश्मीर फाइल देखने के लिए जम्मू कश्मीर में भी लोगों का जमावड़ा मैंने देखा है, या बहुत से लोग अपनी जी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोगों में उत्साह है, और वही उसी उत्साह और हिम्मत के साथ जो है वो इस कश्मीर फाइल्स मूवी को जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं। क्या आपने ऐसा कुछ विजुअल देखे लोगों के, या आपने ऐसा कुछ महसूस किया? जी प्रियंका बिल्कुल, मैंने खुद ये मूवी देखी, और जब हम थिएटर गए थे वहां पे जितनी ज्यादा भीड़ थी, लोग एक्चुअली एक्साइटेड थे, आधा आधा घंटा एक एक घंटा पहले आके खड़े हो गए थे कि टिकट को लेकर कोई इश्यू ना बने, वो पहले ही यू नो रेडी थे कि मूवी देखें, अपने बच्चों को लाए कि उनको भी रियलिटी पता चले कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने सफर किया एक टाइम पे। काफी भारत माता के नारे भी लगे, भारत माता की जय जो है काफी लोगों ने कहा, और हर एक एक दो सीन के बाद जहाँ थोड़ा सा भी सपोर्ट देखने को मिलता था वहाँ लोगों ने तालियां भी बहुत ज्यादा जो यू नो अप्रिसिएशन देखने को मिला, वहीं हर एक कश्मीरी पंडित जो वहां पे था वो उनके आंखों से आंसू भी निकले, उन्होंने बाद में इंटरव्यूज भी दिए, कहा कि क्या सिचुएशन रही, और अभी तक किसी गवर्नमेंट ने किसी ने भी शायद उनका इस तरीके से दुख नहीं समझा, और अब जो विजुअल अपील इतनी ज्यादा मिली है एक बड़े पर्दे पे उनकी पूरी स्टोरी जो है दिखाई जा रही है पूरी दुनिया को, जी तो जी कहीं ना जी कहीं अब एक सपोर्ट उन्हें होप फिर से जागी है कि शायद वो वापस कश्मीर लौट बिल्कुल। और सकते हैं। उसी जी होप के नाते एक हमारे व्यूअर हैं अहद जी तमीम, उन्होंने
ने कमेंट किया है कि 1990 के दशक में जो कुछ भी हुआ था वो ऊपर वाले का एक अजब था और कहर था, जिसमें पंडित भाई भी बर्बाद हुए और मुस्लिम भाई भी बर्बाद हुए, जी बाकी माइनॉरिटीज भी बर्बाद हुई हैं। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हम सबसे कि हमें पास्ट को भुला देना चाहिए, वो ठीक रहेगा कश्मीरी और मुसलमान के लिए, और अपने पंडित भाइयों के लिए भी अपनी जान हम देंगे, और ब्लेसिंग्स कह के उन्होंने अपने कमेंट को अंत किया है। तो देखिए ऐसा जी नहीं है कुछ, देखिए मनमुटाव जिस तरीके का उस वक्त था वैसी सिचुएशन शायद अभी नहीं है। बहुत से लोगों को शायद रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, या जब आपको किसी चीज का एहसास होता है तो शायद, और वैसे भी जब आपको रियलिटी समझ में आती है तो मुझे लगता है रियलाइजेशन होना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस मोमेंट पे। तो शायद एक पिक्चर के माध्यम से ही लोगों को समझ में आ रहा है अब कि एक्चुअल में उस वक्त में क्या हुआ था और किस दौर से वे लोग गुजरे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया हिया आज इस टॉपिक पर हमसे भी बातचीत करने के लिए, और तमाम उन दर्शकों का भी मैं इस्तकबाल करना चाहूंगी जिन्होंने इस टॉपिक को लेकर आज अपना समय जो है हमारे इस लाइव सेशन में दिया और हमसे बातचीत की। और इतनी आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन द कश्मीर फाइल्स को लेकर जरूर शेयर करें, और ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स लेके मैं और रैया नेचा आपके समक्ष आते रहेंगे। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड विद अस, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ बने रहिए, हम ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।